This conference will now be recorded. हेलो फ्रेंड, देखिए आज जो हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस सेशन के अंदर हम लोग अपना एक सेक्शन कवर करेंगे इनकम टैक्स में, जिसका सेक्शन का नाम है सेक्शन 5, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। लास्ट सेशन में हमने रेजिडेंशियल स्टेटस के कुछ क्वेश्चन कवर करे थे, 6 से 7। आज हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम के 5 या 6 क्वेश्चन कवर करेंगे। ये सेशन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जब फ्यूचर में आगे सैलरी बढ़ेंगे तो ये टॉपिक का आना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम एक बार रिकैप कर लेंगे सेक्शन 5, जो हमें स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में बताता है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, सबसे पहले लिखा है इन इंडिया, इनकम अक्रूड और अराइज और डीम टू अक्रूड और अराइज इन इंडिया। कोई इनकम इंडिया से अक्रूड होती है या अराइज होती है। अक्रूड मतलब जनरेट हो जाना, अराइज मतलब मिल जाना। ठीक है, तो वो तीनों केसेस में टैक्स चार्जेबल होंगे, इसके लिए मैंने आपको डीम में बताया था। इसके बाद सेकंड बताया था इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव। इनकम हो जाना, ठीक है, इनकम रिसीव या डीम टू बी रिसीव, जिसे मैंने सेक्शन 7 बताया था कि अगर आपको पीएफ में 12% से एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है या कंट्रीब्यूट करते हैं आप, तो आपके जो भी एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट है वो किसके अंदर आ जाएगा, इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव। कई बार ऐसा होता है अमाउंट हमारे हाथ में नहीं आता, लेकिन हम मान लेते हमें वो इनकम हो गई, तो वो सेक्शन 7 इसी के अंदर कवर था। अगर इसके अंदर आपको प्रॉब्लम है तो आप सेक्शन 7 को अंदर जाकर रेफर कर सकते हैं। पहले आप उसकी वीडियो देख लीजिए एंड देन आफ्टर दैट आप यहाँ आएंगे। दूसरा, आउटसाइड ऑफ इंडिया, इसमें बताया इनकम अक्रूड और राइज और डीम टू अक्रूड टू आउटसाइड ऑफ इंडिया, बट बिजनेस इज कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। अगर आपकी कोई इनकम आउटसाइड इंडिया से होती है, लेकिन जो बिजनेस है वो सेटअप है या प्रोफेशन है आपका, वो सेटअप है इंडिया के अंदर, तो पहले दो केसेस में टैक्स चार्ज होगा और लास्ट के केस में टैक्स चार्ज नहीं होगा। और एनी अदर इनकम, मतलब अगर एक कोई रेजिडेंस स्टेटसशिप के अंदर है तो उसकी सारी इनकम वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होती है, जबकि आर एन ओ आर की इनकम 3 केस में टैक्स चार्ज होती है, 4th केस में टैक्स चार्ज नहीं होती। और एनआर की पहले 2 केस में टैक्स चार्ज होता है, बाकी 2 केस में टैक्स चार्ज नहीं हो सकता। ये स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में था। अब चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कवर करते हैं, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है मिस्टर एक्स अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। कह रहा है कि मिस्टर एक्स ने इनकम करी है 2018-19 फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अब हमें कंप्यूटेशन बनानी है रेजिडेंशियल की, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस की और नॉन रेजिडेंस की। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फाइनेंशियल ईयर 18-19, और साथ साथ मैंने यहाँ आर ओ आर, आर एन ओ आर और एन आर की इनकम लिखी। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट था इंटरेस्ट फ्रॉम इन इंडियन कंपनी रिसीव इन लंदन। एक इंडियन कंपनी किसको, लंदन में, तो इनकम अक्रूड कहां से हो रही है, इंडिया से। जब इंडिया से इनकम अक्रूड होगी तो चाहे वो आर ओ आर ओ, आर एन ओ आर ओ या फिर एन आर ओ, तीनों केसेस में टैक्स चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, तीनों केसेस के अंदर टैक्स चार्ज कर लिया जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां कर दूं 1,20,000 रुपए, 1,20,000। ठीक है, यहां पर भी 1,20,000 और यहां भी 1,20,000 रुपए। ठीक है, दूसरा पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव इन यूएसए। कह रहा है एम्प्लॉयर को पेंशन मिल रही है, अब बताओ पेंशन कहां से मिल रही है उसको, इंडिया से मिल रही है। इनकम अक्रूड और राइज कहां से हो रही है, इंडिया से। जब इनकम अक्रूड और राइज इंडिया से हो रही है तो टैक्स भी कहां लगेगा, इंडिया से ही लगेगा, आर ओ आर मतलब पहली कंडीशन के अंदर आ गया। इनकम अक्रूड और अराइज या डीम टू अक्रूड और अराइज इन इंडिया, तीनों केस में टैक्स चार्जेबल होगा, तो आप यहां तीनों केस में टैक्स चार्जेबल कर लेंगे। देखिए प्रॉफिट अर्न फ्रॉम अ बिजनेस इन पेरिस विच इज कंट्रोल इन इंडिया हाफ ऑफ द प्रॉफिट बीन रिसीव इन इंडिया। कह रहा है कि हमें
जो बिजनेस है वो इंडिया में नहीं है, वो पेरिस में, लेकिन जो कंट्रोल होता है, क्या होता है, बिजनेस कंट्रोल होता है, वो कहाँ से होता है, इंडिया से होता है। जब ऐसी कंडीशन हमने पढ़ी थी स्कोप ऑफ टोटल इनकम के अंदर, तो उसमें दो केस में टैक्स चार्ज था, लास्ट केस के अंदर टैक्स चार्ज नहीं था। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले दो दो केसेस हैं इसके अंदर हम टैक्स चार्ज कर लेंगे, कितना, 2 लाख रुपए, ठीक है, 2 लाख रुपीज लिखा है। अगर वो नॉट रेजिडेंट होता तो हाफ ऑफ प्रॉफिट बीन रिसीव इन इंडिया, मतलब कह रहा हाफ रिसीव हो रहा है। और हम जानते हैं आरओआर के केस में पूरा टैक्स चार्जेबल होता है, चाहे वो कहीं का भी हो। एनआर के केस में आप यहाँ लिख सकते हैं 1 लाख रुपए रिसीव है, और 1 लाख रुपए कहाँ पर रिसीव है, आउटसाइड ऑफ इंडिया एनआर के केस में होगा। तो यहाँ लिखा हुआ भी है कि हाफ रिसीव। अगर वो आरओआर होता, मतलब जिसकी हम कंपटीशन कर रहे हैं मिस्टर एक्स, अगर वो आरओआर होता तो दोनों पूरे केस में टैक्स चार्ज हो जाते, क्योंकि आरओआर की वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होती है, आरएनओआर की क्या होती है, पहले दो केसेस में टैक्स चार्ज होते हैं, चाहे वो आउटसाइड इंडिया है लेकिन बिजनेस कहां से कंट्रोल हो रहा है और इनकम कहां रिसीव हो रही है, ये ना, इनकम अक्रूड और राइज और डीम टू अक्रूड टू आउटसाइड ऑफ इंडिया, बिजनेस इज कंट्रोल और पेंशन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, तो उस केस के अंदर क्या था, दोनों केसेस में टैक्स चार्ज जाएंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन वो नहीं है लिखा हुआ है, हाँ क्वेश्चन यही है, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम अ बिजनेस इन पेरिस व्हिच इज कंट्रोल्ड इन इंडिया, तो पहले दो केसेस में टैक्स चार्ज हो जाएगा, लेकिन कह रहा है हाफ ही रिसीव हुआ है। अगर एनआर होता तो उस केस में कितना मिलता, 1 लाख रुपीज टैक्सेबल होता और 1 लाख टैक्सेबल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसकी तो वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होती है, बिजनेस इंडिया में था इसलिए इसकी 2 लाख रुपीज यहाँ पर कैलकुलेट हो रही है, और एनआर केस में 1 लाख। इसके बाद इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन भूटान एंड रेमिटेड टू इंडिया 1,25,000, कह रहा है कि इंडिया में उसको ना एग्रीकल्चर इनकम रिसीव हो रही है, कितनी, 1,25,000 रुपए, और एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो एग्जेम्प्ट होती है। सर क्या होती है एग्रीकल्चर इनकम, एग्जेम्प्ट होती है, बट एग्रीकल्चर इनकम वो एग्जेम्प्ट होती है जो इंडिया की होती है, ये भूटान की है, क्या है, भूटान की एग्रीकल्चर इनकम है। इसका मतलब ये सभी केसेस में टैक्स चार्ज होगा या नहीं, लिखा रेमिटेड, रेमिटेड मतलब तो भेजना, अर्न कर रहा है वहां से और फिर वो इंडिया में सेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो केस है ना, ये एनी अदर इनकम का है, कौन सा, ये एनी अदर इनकम का, इनकम उसे भूटान से रिसीव हो रही है बट वो कमाकर इंडिया में भेज रहा है, ठीक है, रेमिटेड टू इंडिया, कितना, 1,25,000, तो बाकी किसी केस में टैक्स चार्ज नहीं होगा। अब हम भूटान के नागरिक को ये तो नहीं कहेंगे कि आप इंडिया का टैक्स दो, या भूटान के रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पर तो हम काम नहीं करेंगे, तो हम तो अपने इंडिया बेस पर काम करेंगे, तो इसलिए आर ओर केस में टैक्स चार्ज हो जाएगा, आर एन ओर के केस में टैक्स चार्ज नहीं होगा और एनआर के केस में टैक्स चार्ज नहीं होगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंग्लैंड रिसीव देयर 4 लाख, इनकम इंग्लैंड से हो रही है और रिसीव भी उसे इंग्लैंड में ही हो रही है, क्लियर, जब इंग्लैंड की इनकम है इंग्लैंड में ही रिसीव हो रही, तो इंडिया का क्या मतलब है उसमें, तो हम यहाँ पर बस 4 लाख रुपए एनी अदर के अंदर कर देंगे, मतलब आरओआर के अंदर कर देंगे और बाकी किसी के अंदर हम कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद पास्ट फॉरेन इनकम ब्रॉट ऑफ इंडिया, ये हम, ठीक है, इसको तीनों के अंदर क्या कर देंगे, हम लोग माइनस कर देंगे, मतलब तीनों के अंदर हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। सर आपने क्यों ट्रीटमेंट नहीं करी, लिखा है पास्ट, हम फाइनेंशियली 89 की इनकम की बात कर रहे हैं, हम ना कि पास्ट की इनकम की बात कर रहे हैं, याद रखना जब आप किसी की इनकम कंप्यूटेशन करेंगे तो हमेशा याद रखना आप उसी फाइनेंशियल ईयर को इनकम को कैलकुलेट करना है, किसी लास्ट फाइनेंशियल ईयर को कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। अब आप इसका सम कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा आरओआर के केस में टैक्स कितना चार्ज होगा, ठीक है, और एनआर के, आर एन ओ आर के केस में कितना होगा और एनआर के केस में कितना होगा, ठीक है, ये आपका टोटल फिगर निकल गई है, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं हमें खाली उसी के बेसिस पर डिसीजन लेने कि वो आरओआर में कितना टैक्स चार्ज होगा, आर एनआर में कितना टैक्स चार्ज होगा और एनआर के अंदर कितना टैक्स चार्ज होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, जिसके अंदर हमें सेम यही बताया गया है, बट इसके अंदर जो मिस्टर अनिल है, ठीक है, अनिल है जो इनकम को अर्न करने और हमें इनका कंप्यूटेशन करके बताना है, तो इसके अंदर हमें
आर ओ आर का बताना है, आर एन ओ आर का बताना है, और एन आर के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है हमें? एन आर के बारे में बताना है। तो हम क्या करेंगे, अब हमने कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम लिखा 18-19, और क्वेश्चंस को मैंने यहीं उतार लिया ताकि मैं बार बार उस क्वेश्चन को वहां पर जाकर आपके साथ डिस्कस ना करूं। पहला, सैलरी इनकम रिसीव इंडिया फॉर सर्विस रेंडर्ड इन हांगकॉन्ग 3,90,000। सैलरी जो मुझे मिल रही है वो इंडिया में मिल रही है, कहाँ मिल रही है? इंडिया के अंदर मिल रही है, और सर्विस में रेंडर कहाँ कर रहा हूँ? हांगकॉन्ग में। तो इसका मतलब इनकम तीनों केस में क्या हो जाएगी? टैक्स चार्ज हो जाएगी। ये वही तो हो गया इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया। इस केस के अंदर हम क्या कर देंगे? टैक्स तीनों में चार्ज कर लेंगे। कितना? 3,90,000 आ जाएगी। इसके बाद इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया बट रिसीव इन जर्मनी। हमारा बिजनेस कहां पर है? इंडियन में, इंडिया में, और हमें रिसीव कहां हो रहा है? जर्मनी। इनकम अराइज कहां से हो रही है? इंडिया से। जब इंडिया से ही इनकम अराइज होती है तो तीनों टैक्स में, तीनों केस में टैक्स चार्ज हो जाता है, ठीक है? चाहे वो आर ओ आर ओ, आर एन ओ आर ओ या एन आर ओ, उस सभी केस में टैक्स चार्ज हो जाएगा। क्लियर? प्रॉपर्टी इनकम इन युगांडा आउट ऑफ विच 2,40,000 वाज रेमिटेड टू इंडिया। कह रहा है कि हमें इनकम रिसीव हो युगांडा से कितना? 2,40,000। बस मैं उस इनकम जो कमाई है वो इंडिया के अंदर भेज रहा हूं, इंडिया से मेरा और कोई नाता नहीं। तो पहले केस में टैक्स चार्ज हो जाएगा, बाकी किसी केस में टैक्स चार्ज नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं आर ओ आर, आर ओ आर की वर्ल्ड वाइड इनकम क्या होती है? चार्जेबल होती है, ठीक है? इसको हम स्किप कर देते हैं, आ जाएगी। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन बैंगलोर। बिजनेस कहाँ है उसका? बैंगलोर में। इनकम एक्रू और राइज कहाँ से हो रहा है? बैंगलोर से। तो तीनों केस में टैक्स चार्ज हो जाएगा, चाहे वो आर ओ आर हो, आर एन ओ आर हो या फिर एन आर हो, ठीक है? इसके बाद एग्रीकल्चर इनकम इन केनिया, केनिया कंट्री है, वहां पर उसको इनकम हो रही है एग्रीकल्चर की। बताओ एग्रीकल्चर की इनकम उसको उस कंट्री के अंदर हो रही है, तो इंडिया से क्या करना? इंडिया से उसे क्या लेना देना? तो हमें बस आर ओ आर के अंदर टैक्स लगा देना है, बाकी किसी केस में टैक्स नहीं लगाना, ठीक है? आप इसे माइनस भी कर सकते हैं, माइनस लगा दीजिए और इसको सेंटर में करके कंट्रोल आर से राइट कर लीजिए, ठीक है? प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस कैरिड ऑन एट नेपाल बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। तो आप जानते हैं कि बिजनेस कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया से। तो पहले दो केसेस में टैक्स चार्जेबल हो जाएगा, बाकी लास्ट केस में टैक्स चार्ज नहीं होगा, ठीक है? ये आपकी टोटल इनकम आ गई। अब आप इसको क्या कर दीजिए? इसका टोटल निकालिए। टोटल निकालने के लिए आप यहाँ पर सम का फार्मूला लगा के भी आप सम निकाल लीजिए। तो हम यहाँ बोल देंगे सम, और यहां से एंटर कंट्रोल आर, ठीक है? ये हमारी आ गई टोटल इनकम। देखिए कितना इजी है, बस खाली हमें पांच चार पॉइंट अपने जहन में रखने हैं, और उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन थर्ड हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? इसमें श्री सुधीर कुमार है, जिनका प्रीवियस ईयर 2018-19 हमें कुछ इनकम को कंप्यूटेशन करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने स्कोप ऑफ टोटल इनकम लिखा हुआ है, आप लोग सेम वही करेंगे। चलिए मैं कर ही देता हूँ, यहाँ से इस वाले को कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, या इन दोनों लाइनों को कॉपी करके वहां पेस्ट कर दूँ ताकि हमारा टाइम सेफ हो जाए। कंट्रोल वी कर दिया मैंने, आगे हमारा। चलिए, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन ईरान रिसीव इन इंडिया 5 लाख रुपीज। हमारा जो बिजनेस है वो ईरान में है, क्लियर है? और यहाँ कोई वर्ड नहीं लिया कि इंडिया से उसका कोई मतलब है, कोई कंट्रोल नहीं, बट वो इंडिया में पैसे को क्या कर रहा है? भेज रहा है। तो हम जानते हैं कि पहले केस में तो टैक्स चार्ज हो जाएगा, बाकी और किसी केस में टैक्स चार्ज नहीं होगा, क्योंकि अब आर एन ओ आर होगा, ईरान में काम कर रहा है तो वो इंडिया में क्यों टैक्स देगा, ठीक है? तो यहाँ पे बाकी किसी केस में टैक्स चार्ज नहीं होगा, ठीक है? इसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन ईरान रिसीव इन इंडिया। अब
ईरान की हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है इसको इनकम, बट वो कहाँ दे रहा है, रिसीव कहाँ कर रहा है, इंडिया में। कहाँ कर रहा है वो, इंडिया में रिसीव कर रहा है, ठीक है। हाँ, अगर आप देखिए क्वेश्चन लिखा भी है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन ईरान रिसीव इन इंडिया, ठीक है, आप इसको रेफर कर सकते हैं, इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव, ठीक है, इनकम मिलना या ये मान लें कि हमें इनकम मिल गई तो आप इसको भी रेफर कर सकते हैं, लेकिन आगे कोई वर्ड नहीं लिखा है तो आप इस केस में क्या करें, तीनों केस में ही टैक्स चार्ज कर लें, क्योंकि उनके इंडिया में इनकम रिसीव हो रही है। कितना, 1,20,000, ठीक है, ठीक है। इनकम हमें रिसीव कहां से हो रही है, ईरान से, तो हम यहां पर हम तीनों केस में टैक्स चार्जेबल कर लेते हैं। क्योंकि तीनों केस में टैक्स चार्ज होता है, इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन श्रीलंका डिपोजिटेड इन बैंक देयर 1,80,000, ठीक है, कह रहा है कि एक बिजनेस है, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन श्रीलंका, ठीक है, और वहीं के बैंक में हमने 1,80,000 रुपए जमा करा दी, तो इसका मतलब उसका इंडिया से कोई लिंक ही नहीं है, तो इसका मतलब पहले केस में टैक्स चार्ज होगा, बाकी किसी केस में टैक्स चार्ज नहीं होगा, क्योंकि आरओआर की इनकम वर्ल्ड वाइड चार्जेबल होती है, इसलिए हमने इसको आरओआर के अंदर रखा, एनआर के अंदर हमने इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करा। इसके बाद नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस स्टैब्लिश इन श्रीलंका, ठीक है, डिपॉजिट इन 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 आ बैंक देयर द बिजनेस इज कंट्रोल इन इंडिया, कह रहा है कि हम हमारा जो बिजनेस है वो एस्टैब्लिश है श्रीलंका के अंदर, और जो हमारा बैंक जो हमें इनकम है वो भी हमें बैंगलोर के अंदर और श्रीलंका के अंदर हो रही है, लेकिन जो बिजनेस है ना वो हमें बिजनेस इंडिया से कंट्रोल होता है, और आप सभी जानते हैं कि जो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल होता है वो पहले दो केस में टैक्सेबल हो जाता है, पहले दो केस में क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है, तो आप इसको ऐसे कर देंगे, 20 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, ठीक है, क्योंकि पहले दो केस में टैक्स चार्ज होता है पूरा पूरा, लेकिन वो कह रहा है कि आधा ही इंडिया के अंदर भेजा है, आधा ही उसने क्या करा है, इंडिया के अंदर सेंड करा है, कितना, 1 लाख रुपीज, ठीक, इन रेमिटेड इन इंडिया, तो इसका मतलब अगर वो एनआर होता तो यहाँ पर 1 लाख रुपीज चार्ज होता, इंडिया में तो उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम चार्जेबल हो जाएगी ना, अगर वो रेजिडेंट होता है यहाँ का तो पहले केस में ही 2 लाख रुपये पूरा चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसकी वर्ल्ड वाइड इनकम चार्जेबल होती है। अब अगर वो आर एन ओ आर होता तब भी उसका 2 लाख रुपीज आता, क्यों, क्योंकि उसने कंट्रोल कहाँ से कर रहा है, इंडिया, और जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम इस वाले को रेफर करते हैं, और ये दो क्या कहता है कि दोनों केसेस में टैक्स चार्जेबल होगा, तो इस केस में क्या होगा, आपका टैक्स चार्जेबल हो जाएगा, और लास्ट वाले में पूरा उसको नहीं मिला, 1 लाख रुपए इंडिया में रेमिट कर रहा है तो 1 लाख रुपए कहाँ मिलेगा, उसकी कंट्री में, इसलिए हमने एनआर के केस में 1 लाख रुपए टैक्सेबल करा है। इसके बाद इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया बट रिसीव इन इंग्लैंड, इनकम कहाँ पर है, इंडिया से, प्रोफेशन कहाँ पर है, इंडिया से, इनकम रिसीव कहाँ से हो रही, इंडिया से, जब सारा काम इंडिया से हो रहा है तीनों केस में टैक्स क्या कर दो, चार्ज कर दो, कितना, 2,40,000, और कंट्रोल ऑन कर दो, खत्म। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन कानपुर, हमें कानपुर से एक बिजनेस करके इनकम हो रही है, अब बताओ कानपुर से हम लोग इनकम कर रहे हैं, और कानपुर कहां पर है, कानपुर सर इंडिया में, तो इस केस में आरओआर या एनओआर केस में क्या हो जाएगा, टैक्स, तीनों केस में टैक्स चार्जेबल हो जाएगा, क्लियर। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया और इन इंग्लैंड, इट इज ऑल स्पेंड ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन लंदन, 2,17,000, एक एग्रीकल्चर लैंड है कहां पर है,
इंग्लैंड में, ठीक है, उसको इनकम कितनी हो रही है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि उसे इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड, इट इज ऑल एक्सपेंड ऑन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन लंदन 2,70,000। उसको एक इनकम हुई 2,70,000 रुपए की, उसने सारी इनकम कितनी अपने चाइल्ड पर क्या कर दी, एजुकेशन पर इन्वेस्ट कर दी। तो हमें भी ये नहीं देखना है कि उसने कितना खर्चा करा, अभी हमें इनकम से खाली मतलब। तो इनकम कितनी हो रही है, 2,70,000 रुपए। कहाँ से हो रही है, आउटसाइड इंडिया से हो रही है, ठीक है। तो इंडिया से इसका कोई रोल नहीं है, तो पहले केस में आप टैक्स लगा देंगे, बाकी किसी केस में आप टैक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये एनी अदर इनकम है, और एनी अदर इनकम खाली पहले में ही चार्ज होती है, बाकी दो केस में टैक्स चार्ज नहीं होता। उसके बाद का क्या कर देना है आपको, टोटल कर देना है। टोटल के लिए आप सम लगा लीजिए, सम, और इसे कंट्रोल आर कर दीजिए, ठीक है। ये आपकी टोटल इनकम आ गई। अगर आप आर ओ आर होते तो कितना बनता, अगर आप आर एन ओ आर होते तो कितना बनता, और अगर आप एन आर होते तो इतना टैक्स बनता, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन अभी आएगी जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, नहीं, चलिए फिर आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसके अंदर द इनकम और द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर ऑफ इनकम ऑफ आर फॉर द प्रीवियस ईयर 2018-19, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वही सेम करना है, कंप्यूटेशन निकालनी, बट यहाँ नेम गिवन नहीं, तो हमने यहाँ पर एक एज्यूम कर लिया, ठीक है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम पर, लेकिन हम लोग क्या लिखते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए ताकि आपका टाइम सेव हो जाए, कॉपी, और वहां जाके आप इसको पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल वी से आ गया। लिखा हुआ रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन दिल्ली रिसीव इन यूएसए। एक रेंट आपका इंडिया में है, इंडिया में दिल्ली में है, और रिसीव आपको इनकम कहाँ से हो रही है, रिसीव कहाँ हो रही है आपको, यूएसए में। हमें क्या करना है, जब इनकम एक्रूड और राइज इंडिया से ही हो रही है तो तीनों केसेस में टैक्स क्या हो जाएगा, आपका चार्जेबल हो जाएगा। अच्छा, कितना, 80,000 रुपये। कंट्रोल आर कर लो। इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन यूएसए, कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली। तो पहले दो केसेस में टैक्स चार्ज हो जाएगा, बाकी किसी भी केस में टैक्स चार्ज नहीं होगा। कितना, 1,20,000, और कंट्रोल आर। लास्ट के केस में टैक्स चार्ज नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट टू केस के अंदर टैक्स ही चार्ज होता है। इसके बाद नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन बैंगलोर, कंट्रोल फ्रॉम यूएसए। एक बिजनेस है जो बैंगलोर में हो रहा है, लेकिन कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, यूएसए से होता है। तो इनकम एक्रूड कहाँ से होगी, इंडिया से। इंडिया से इनकम एक्रूड हो रही है, बिजनेस कहाँ पर है, इंडिया पर। तीनों केस में टैक्स चार्जेबल हो जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट, रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन यूएसए रिसीव देयर बट सब्सिक्वेंटली रेमिटेड 60,000 इंडिया। एक प्रॉपर्टी हमारी यूएसए के अंदर, वहां पर हमें इनकम हुई, इंडिया से कोई मतलब नहीं है इसका, बट उसने 60,000 रुपये क्या अगर इंडिया में भेज दिए, तो पहले केस में क्या हो जाएगा, चार्जेबल हो जाएगा टैक्स, बाकी किसी केस के अंदर टैक्स चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं 60, ठीक है, यहां पर हम माइनस कर देते हैं, इसके बाद आ जाइए ना, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट विद इन इंडियन कंपनी रिसीव इन यूएसए। इंटरेस्ट जो है ना वो हमें कहां से मिल रहा है, इंडियन कंपनी से रिसीव हो रहा है। कितना, 20,000 रुपीज इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट विद इंडियन कंपनी रिसीव इन यूएस, ठीक है। हमने क्या
करा, एक इंडियन कंपनी में कुछ पैसा डिपॉजिट करा और हमें क्या हो रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? यूएसए से। लेकिन कंपनी कहाँ पर? इंडिया। इनकम अक्रूड कहाँ से हो? इंडिया से। तो जब इंडिया से इनकम अक्रूड हो तो तीनों केस में क्या हो जाता है आपका टैक्स? चार्ज हो जाता है। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 20,000। कंट्रोल आर कर दो, आर हो गया। इसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015-16 ऑफ बिजनेस इन यूएसए रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2018-19। कह रहा है कि एक बिजनेस था यूएसए के अंदर, 2015-16 के अंदर उसको प्रॉफिट हुआ 75,000 रुपए का। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हुआ? 75,000 रुपए का। लेकिन वो इस साल इंडिया में उसको भेज रहा है, खाली भेज रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तो हम जानते हैं कि वो जब वो इनकम भेजता है इंडिया में तो खाली पहले केस में टैक्स चार्जेबल होता है, बाकी किसी केस में टैक्स चार्ज नहीं होता। ठीक है, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा होता, प्रीवियस लिखा होता प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर 2015-16 ऑफ अ बिजनेस इन यूएसए, तो हम कुछ नहीं करते क्योंकि हमारे जो कंपटीशन हो रही है टोटल इनकम वो 18-19 की हो रही है और हम प्रीवियस ईयर का कुछ भी नहीं करते। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम हिज पेरेंट फॉर 45,000 रुपीज की हमें क्या हो रही है, गिफ्ट मिल रहा है। और ये गिफ्ट कहाँ से मिल रहा है? उसको पेरेंट्स से मिल रहा है। अब पेरेंट्स आए इन इंडिया हो चाहे पेरेंट इन आउटसाइड इंडिया हो, तो किसी भी केस में टैक्स चार्ज नहीं हुआ। सर क्यों नहीं चार्ज करा? क्योंकि रिलेटिव से मिलने वाला गिफ्ट चार्जेबल नहीं होता और 50,000 तक तो वैसे ही गिफ्ट माफ होता है। ठीक है, तो इस केस के अंदर ये गिफ्ट हमारा टैक्सेबल नहीं है। ये हमारी इनकम आ गई, बस हम यहाँ लगा देंगे टोटल इनकम और फिर हमें कुछ नहीं करना, यहाँ लिखना है सम सम और सम से इन सभी को सम कर लो, कंट्रोल आर फॉर राइट। ये आपका टोटल इनकम आ गई आर ओ आर केस में, आर एन ओ आर के केस में और एन आर के केस में। लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफी बड़ा है और हम इसे ध्यान से करेंगे। वही चीज मैंने सेम यहाँ करी, मैंने एक और यहाँ पर वो बना ली अपनी टेबल, आप इसको प्लीज रेफर कर लीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम लिख लीजिएगा, हम आगे चलते हैं। लिखा है पहला क्वेश्चन, इनकम रिसीव बाय वे ऑफ रेंट फ्रॉम द लेट आउट प्रॉपर्टी इन चेन्नई 2 लाख रुपीज। आपको पता है कि आपकी प्रॉपर्टी चेन्नई में और इनकम आपको एक्रू कहां से हो रही है? चेन्नई से। जब सारे काम चेन्नई से हो रहे हैं तो आपका टैक्स भी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा होल केस के अंदर, चाहे आप आर ओ आर हो चाहे आप एन आर हो, कोई भी हो, आपके सभी केसेस में टैक्स चार्जेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आपको दिख जाएगा आराम से। ये पूरा खराब हो गया, एक बार मैं रुकिए इसको बॉर्डर हटा देता हूँ, कंट्रोल F1। ठीक है, नो बॉर्डर अप्लाई, अब बॉर्डर अप्लाई करता हूँ कंट्रोल 1। ठीक है, एंड देन इसके बाद और इसे एरिया को पूरे कॉपी करके फॉर्मेट प्रिंटर से यहाँ ड्रैग और यहाँ ड्रैग। ठीक है, चलिए, कितना? 2 लाख रुपीज। हमने यहाँ 2 लाख क्लिक करके कंट्रोल आर कर दिया। इसका इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया रिसीव इन ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर एग्रीकल्चर लैंड है, इनकम भी ऑस्ट्रेलिया से हो रही है, रिसीव भी ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, तो हमारा कुछ नहीं है। तो इसके अंदर बस पहले केस में एनी अदर इनकम चार्जेबल है, बाकी किसी केस में हम लोग टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। इसके बाद इनकम इनकम बाय वे ऑफ रेंट फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन यूएसए रिसीव इन इंडिया। कह रहा है कि एक रेंट है जो सिचुएटेड है यूएसए के अंदर बट रिसीव कहाँ से हो रहा है? इंडिया के अंदर। तो आप क्या कर देंगे, पहले तीनों केसेस के अंदर आपको टैक्स चार्जेबल कर लेना है क्योंकि इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, तो होल केस में टैक्स चार्जेबल था। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई कंट्रोल इन यूएसए। अब बिजनेस इंडिया में है, इनकम भी इंडिया से हो रही है, तो तीनों केस में टैक्स चार्ज हो जाएगा।
कितना? 15 लाख रुपए। और कंट्रोल आर करके इसको ट्रैक कर दीजिए। आ जाइए इनकम रिसीव फ्रॉम बिजनेस सिचुएटेड इन चाइना, कंट्रोल फ्रॉम चाइना। अब एक चाइना का बिजनेस है और चाइना से ही कंट्रोल हो रहा है, तो इंडिया को कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो पहले केस में क्या हो जाएगा, हमारा टैक्स चार्ज हो जाएगा, और बाकी किसी केस में हमारा टैक्स चार्ज नहीं हो, क्योंकि इसमें पहले केस में एनी अदर इनकम आती है ना, तो हम यहाँ एनी अदर इनकम डाल देंगे 4 लाख रुपए। इसके इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रशिया कंट्रोल इंडिया, तो पहले दो केस में टैक्स चार्ज होता है 5 लाख और 5 लाख, बाकी लास्ट वाले केस में कुछ भी नहीं होगा। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन बॉम्बे, तो बॉम्बे में इंटरेस्ट इसी बोला, चाहे वो आप आर ओ आर हो, आर एन ओ आर हो, या फिर एन आर हो, तीनों केस में टैक्स चार्जेबल हो जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर इन इंडिया कंपनी रिसीव इन जर्मनी, कंपनी इंडिया की है सर, जब कंपनी इंडिया की है तो इनकम भी एक्रू एंड राइज कहां से हो रही, इंडिया से। सभी केस में क्या हो जाएगा टैक्स चार्ज, कितना? 15 हजार रुपए। तो आपको 15 हजार रुपए कंट्रोल आर करके ट्रैक कर देना। डिविडेंड फ्रॉम ए जापानीज कंपनी रिसीव इन जापान, अब जापान की कंपनी है, जापानीज कंपनी है, रेंट डिविडेंड भी कहाँ का है, जापानीज कंट्री का है, तो उससे क्या करना हमें? सर डिविडेंड तो माफ होता है, इन इंडिया माफ होता है सर, आउटसाइड इंडिया माफ नहीं होता। पहले केस में टैक्स लग जाएगा, बाकी और केस में टैक्स चार्ज नहीं होगा। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिट इन बैंक इन लंदन, लेटर ऑन रिमिटेड टू इंडिया थ्रू अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल। इनकम हमें रेंट मिला कहां पर? लंदन में। हमने डिपॉजिट भी कहां कर दिया? लंदन के बैंक में ही डिपॉजिट कर दिया, और उसके बाद इंडिया में भेजा, तो उसके मतलब भेजने के लिए तो एनी अदर इनकम आ जाती, एनी अदर इनकम पहले में चार्जेबल होती, बाकी किसी केस में चार्ज नहीं होती। डिविडेंड फ्रॉम आरपी लिमिटेड इन इंडिया कंपनी 6,000 रुपीज, अब लिखा हुआ है डिविडेंड है, कहाँ से मिल रहा है उसको? इन इंडिया मिल रहा है, और इन इंडिया मिल रहा है तो ये माफ होता है। मैंने अभी जैसे ऊपर बताया कि इंडिया का माफ होता है ना, तो ये पहले किसी केस में टैक्स नहीं लगेगा। चलें आ जाइए एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात, अब एग्रीकल्चर लैंड है तो उस पर क्या होता है, कोई टैक्स चार्ज नहीं होता इन इंडिया, होता है बट अलग केस है। जब आप सेक्शन 10 10 10A पढ़ेंगे तब मैं आपको उसके बारे में डीपली बताऊंगा, फिलहाल अभी इसके लिए हमें कोई डिस्कशन नहीं करना है, और बस सम लगा के इसको कर लीजिए टोटल। ठीक है, ये हमारा टोटल आ गया 3 लाख 30 लाख 30 लाख 24 लाख 15 हजार 19 लाख 15 हजार रुपए की टोटल इनकम। ये आज का सेशन था हमारा, जिस सेशन के अंदर हमने आप आज हमने स्कोप ऑफ टोटल इनकम फिनिश कर लिया। तो आज आपको मैं बता दूं, आज हमारा इंट्रोडक्शन सेशन ऑफ इनकम टैक्स फिनिश हो गया, नेक्स्ट सेशन से हम लोग सैलरी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।